हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अगेन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपीएससी का एग्जाम हुआ है। एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में हुआ है। उसकी जो एनालिसिस है वो मैं करूंगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने एक महीने पहले एक इसी चैनल पर एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने बताया था कि आपका एग्जाम जो होगा उसका लेवल कैसा होने वाला है। और एग्जैक्टली जो मैंने बातें की थी वही सेम चीजें मैच हो चुकी है। आई बटन में लिंक है और सामने आप देख रहे हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कि यही ये वीडियो है। आप जाके देख सकते हैं, जैसा अभी एग्जाम हुआ है एक्यूरेट वही बातें नहीं मैच हो जाए तो आप बताइएगा। तो गाइज, ये तो बात रही चीजों की। अब गाइज बात कर लेते हैं कि आपको आगे किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें आपको अपनानी है, क्या क्या चीजों करके आप अपने एग्जाम को और बेटर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें जो आपको अवॉइड करनी है। तो यही चीजें मैं वीडियो गाइज बहुत कम बनाता हूँ, और मैं वीडियो उन्हीं टॉपिक बनाता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं डेली कैमरा उठा लूँ, डेली वीडियो बना दूँ और डेली आपका टाइम वेस्ट करूँ। इतना टाइम ना तो मेरे पास होता है, और मैं समझता हूँ इतना टाइम आपके पास भी नहीं होता होगा कि आप अभी एग्जाम टाइम में सारे यूट्यूब के चैनल खोल के उनके वीडियोज देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड स्टेप बाय स्टेप हम सभी चीजों के ऊपर एकदम डिटेल से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के एग्जाम एनालिसिस के ऊपर। आज का एग्जाम जो है वो कैसा हुआ, कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या चीजें आई, कौन सा चीज टफ था, कौन सी चीज ईजी थी। तो गाइस, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैथ। अब गाइस, मैथ में अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं और सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं, तो अगर दोनों में हम देखेंगे तो दोनों में हल्का फुल्का माइनर डिफरेंस है। जैसे कि जो लोग सेकंड शिफ्ट में थे वो लोग बता रहे थे कि उनका जो मैथ है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आया है। ऐसा नहीं कि मैथ बहुत टफ है, मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। जबकि फर्स्ट शिफ्ट वालों ने बताया कि जो उनका मैथ था वो कम कैलकुलेटिव था। ऐसा है कि जब एग्जाम का प्रॉपर सीट बाहर आ जाएगी तब एक्यूरेट पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस कैसे थे, फुल एनालिसिस हो जाएगा। अभी जितना पता लगा है उतना बच्चों के माध्यम से पता लगा है कि हाँ ये एग्जाम ऐसा हुआ है, ये चीज ऐसी थी, ये क्वेश्चन ऐसे थे। तो क्या सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैथ में। अब जो जानने वाली बात यह है कि जो मैथ है उस मैथ में अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं अभी, तो आप लोग समझ जाइए कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपको जो कैलकुलेशन है उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ना कि आपको बाकी स्किल पे। क्योंकि देखिए, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन हाई है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो कैलकुलेशन स्पीड है उसको फास्ट करनी है। हो सकता है क्वेश्चन बहुत ईजी हो बट जो कैलकुलेशन हो बहुत ज्यादा हायर हो। तो अगर कैलकुलेशन ज्यादा टफ आएगी तो सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ये चाहेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो टाइम वेस्ट करने के चक्कर में आपको लंबी लंबी कैलकुलेशन देगा। तो अगर आप अपने मैथ में ज्यादा चीज ना सीखने की जगह अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब एक बार मैथ का जो टॉपिक है वो भी बता देता हूं आपको। तो देखिए, आपका प्रॉफिट लॉस से आया था 3 से 4 क्वेश्चन। इसके अलावा आपका एलसीएम से आया था आपके 1 से 2 क्वेश्चन। आपका जो नंबर सिस्टम है उससे थे 2 से 3 क्वेश्चन। इसके अलावा आपका जो पार्टनरशिप था उससे था 2 से 3 क्वेश्चन। आपका जो डीआई था उससे थे 4 क्वेश्चन। आपके जो रेशियो थे उससे थे 2 क्वेश्चन। आपके जो एवरेज थे इससे था 1 क्वेश्चन। इसी तरीके से बाकी सभी टॉपिक से 1-1, 2-2 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं अगर एडवांस मैथ की, तो आपके में एडवांस मैथ बिल्कुल भी नहीं था, यही चीजें थी मैथ में। और ज्यादातर लोग 99% लोग जो है वो मैथ से ही डरते हैं। तो मैं आपको बता दूं मैथ से डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैथ में इजी इजी था। मैंने आपको मैथ के लिए एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इजी इजी टॉपिक को पकड़िए, उनको सॉल्व कीजिए। और मैंने बताया था आपको प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, इन सब चीजों पर अगर वर्कआउट करते हैं तो आपका अच्छा से हो जाएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं जीएस की। तो गाइस जीएस के अंदर में अगर हम देखेंगे, जैसे कि बच्चों ने बताया, तो आपके जो पॉलिटी है उससे 14 से 15 क्वेश्चन थे। आपका जो मूल विधि था उससे भी 7 से 8 क्वेश्चन था। बाकी अलग अलग तरीके से ज्योग्राफी से नॉर्मल क्वेश्चन थे, जैसे कि दर्रा कहाँ पर है या फिर इसकी चीजें क्या हुई है। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जीएस में ये है कि जीएस में ज्यादा ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं है, जो पिछले साल पूछा गया था वही चीजें हैं। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है वो ना अप हुआ है ना हाई हुआ है, जैसे कि मैंने वो पहले ही बताया था। तो गाइस ये भी चीजें हैं। तो ये बात रही अब जीएस की। अब बात करते हैं हिंदी की। तो गाइस मैं आपको बता दूं, हिंदी के अंदर में जो चीजें थी वो वैसे ही हैं जैसे पिछले बार थी वैसे ही है। बस जीएस बस हिंदी के अंदर एक चीज हुआ है, पुरस्कार जो है थोड़े से ऐड हो गए हैं, और आपका जो रचना वाले पोर्शन है वो थोड़े से ऐड है। तो आप लोग उसको थोड़ा सा एकदम डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको बाद में जब पुरस्कार के ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो गाइस रीजनिंग आपके लिए यहाँ पे एक बोनस है। ये बोनस ऐसा है कि रीजनिंग में अगर आप चाहें तो 40 में से 40 मार्क्स भी ला सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान आया है। जो मशीन का इनपुट आउटपुट था वो नहीं आया, सारी चीजें बहुत सही थी। जीएस बहुत रीजनिंग बहुत इजी तरीके से आया था, पूछा था। अगर एक बच्चा है पढ़ने वाला तो मुझे ऐसा लगता है कि 40 में से 40 क्वेश्चन भी कर सकता है। दूसरा गाइस रीजनिंग में थोड़ी बहुत चीजें थी, जैसे कि आप जानते हैं गैनोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है,
हेटोलॉजिस्ट वो होता है जो कि ब्लड के ऊपर बातें करते हैं, तो कुछ चीजें पढ़ लीजिएगा, जैसे जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन सी से क्या क्या फायदे फायदा होता है, विटामिन बी किस लिए, विटामिन डी किस लिए, विटामिन सी का सूत्र क्या है, विटामिन डी का सूत्र क्या है, विटामिन डी का आयुर्वेदिक नाम क्या है, विटामिन सी का आयुर्वेदिक नाम क्या है, तो ये कुछ चीजें हैं, इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेस्ट इज योर, अभी एग्जाम का टाइम है, आप इतना प्रेशर नहीं लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते, नहीं है टाइम, आप मत पढ़िए, जो मैंने पढ़ रखा है वही आप ठीक से रखिए। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है पेपर को देखकर कि पेपर इजी टू मॉडरेट की तरफ था, बट अगर आप ठीक से ध्यान से पेपर देंगे तो मुझे लगता है कि आप आराम से पेपर में 110 क्वेश्चन तो आप आराम से ठीक करके ही आएंगे कम से कम। तो गाइस ये चीजें थी। आप बात कर लेते हैं आगे की तैयारी आपको किस हिसाब से करनी है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या चीजें हैं, क्या चीजें आप उन लोगों से बेटर कर सकते हैं जिनका 12 को एग्जाम हुआ है, अब आपका एग्जाम है। तो मैं आपको बता दूं कि गाइस देखिए, सबके अपने अपने पढ़ने के स्टाइल होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मैं अगर आपको अभी बेस्ट एडवाइस ये दूंगा कि जो आपने पढ़ रखा है अभी तक, जो भी आपने पढ़ रखा है अभी तक, बस आप उन्हीं चीजों को ढंग से पढ़िए। बस आप ये देखिए पेपर के अंदर में कि जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं, जो भी क्वेश्चन आपका आ रहा है, वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है, मतलब जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। कम टॉपिक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और उन्हीं को आप रिपीट कीजिए, तो आपकी चीजें हो जाएंगी। मैं कभी भी आपका बहुत लंबा वीडियो बनाकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करता कि हाँ मैंने 12 मिनट 15 मिनट 50 मिनट की वीडियो बना दी, बस वो किसी काम की भी चीजें नहीं होती कि मैं आपको 20 मिनट आपका टाइम खराब कर दूं, 25 मिनट खराब कर दूं, बाद में पता लगे काम की चीज कुछ है ही नहीं, तो वो कोई बेनिफिट नहीं है। मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि पेपर को हॉल में जब बैठते हैं तो उससे आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, इस चीज के ऊपर होगी। अभी के लिए गाइस जितना भी मैंने एनालाइज किया, मुझे लगा पेपर इजी टू मॉडरेट है, और ये चीज आपके लिए अच्छी है। अगर आपकी तैयारी कहीं ना कहीं कम होगी तो ऐसा होगा कि आप कहीं ना कहीं भीड़ में आ सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब आप पेपर में बैठते हैं और आपको अगर आपका किस्मत भी थोड़ा सा साथ दे रहा है वहां पर, तो आप इजी तरीके से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब गाइस दूसरी चीज ये है कि आपकी नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे होगा, उस पर आपका कैसा इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या चीजें होंगी। गाइस मैं बता दूं, नॉर्मलाइजेशन जो है आपके लिए अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है। जो भी आपको नॉर्मलाइजेशन कह करके डराते हैं, हम ये बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो आपके 20 मार्क्स घट जाएंगे, आपके हो जाएंगे, तो आपके नहीं, आप सभी के घटेंगे, सभी के बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा फेथ रखिए अपने गॉड पे भी, अपने भगवान पे भी, कि जो भी चीजें हैं वो चीजें बहुत अच्छे से हो। पेपर में सिर्फ पेपर ही नहीं, आपका किस्मत भी बहुत साथ देना चाहिए, क्योंकि कई बार आप देखते हो कि आपसे कुछ चीजें पूछी गई है और आपको समझ में नहीं आता कि ये चीजें क्या पूछी गई है, जबकि आपको पता होता है आंसर, फिर भी नहीं कर पाते। तो कुछ चीजें किस्मत के लिए भी होती है, कुछ चीजें हार्डवर्क भी होती है। 80% हार्डवर्क होता है, 20% आपकी किस्मत होती है। तो थोड़ा सा फेथ रखिए अपने आप पे, अपनी चीजों पे, अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। मैं समझता हूँ आप सभी लोग काफी टैलेंटेड हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा। आगे जैसा भी एनालिसिस होगा मैं आपको डे बाय डे, मतलब मुझे जैसे जैसे लगेगा टाइम मिलेगा, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। एक वीडियो मैं स्पेशल बना दूंगा कि पेपर के अंदर आपको एग्जाम हॉल में कैसे पेपर में बैठना है, क्या का माइंडसेट होना चाहिए इस चीजों के ऊपर। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा। थैंक यू।